क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबस्टेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बने कोण का संपूरक होता है। ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 10.2 से लिया गया है, तो इसको जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे पी पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई हैं पी ए और पी बी, और जो है ये पी जो है वो हमारे को प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए पी बी वो उनका सम जो है 180 डिग्री है, यानी कि ये संपूरक कोण है। तो ए पी एंड ए बी बी पी आर टेंजेंट्स, तो ये दोनों क्या हैं स्पर्श रेखाएं हैं। तो स्पर्श रेखाएं होने से क्या होगा कि ओ ए और ओ बी जो हैं इनके ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ओ ए ए बी ए पी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और ओ बी जो है वो बी पी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो लंब हुआ ओ ए लंब हुआ ए पी के ऊपर और ओ बी लंब हुआ बी पी के ऊपर। तो ये थ्योरम को यूज़ करके हमारे को पता लगा कि दो एंगल हैं जो कि 90 डिग्री के हैं, और वो एंगल हैं एंगल ओ ए पी और दूसरा एंगल है ओ बी पी। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हुए, तो इन दोनों एंगलों को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एंगल भी 90 डिग्री है और एंगल ओ बी पी भी 90 डिग्री है। और हमें ये भी पता है कि किसी चतुर्भुज के यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। तो हम जो है चतुर्भुज के चारों कोणों को लिख देंगे और चारों कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री वो 360 डिग्री का होता है। तो क्योंकि दो एंगल 90 के हैं तो उनका जोड़ 180 होगा, तो 360 में से 180 घटाने पर हमारे पास 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 डिग्री आ जाता है। तो हमने यहाँ पर ए ओ बी और ए का जो है वो हमारे को पता नहीं है, तो उसको ऐसे लिख देंगे ओ बी सी ओ बी पी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल ओ ए पी भी 90 डिग्री का है और एंगल ए पी बी वो हमारे को पता नहीं है, और ये जो है इनका जोड़ जो है 360 है। तो ए ओ बी एंगल प्लस में एंगल ए पी बी प्लस में 90 180 डिग्री हो गया इक्वल टू 360 हो गया। तो एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में 180 डिग्री। तो 360 में से 180 गए तो हमारे पास आया 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी 180 डिग्री के हैं, यानी कि संपूरक कोण है, और यही हमें सिद्ध करना था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसके लिए जो है आप मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब करिए।